है सौ खबर। हरियाणा के मुरथल में कथित गैंगरेप की जांच के लिए सरकार ने बनाई एसआईटी। शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 महिला पुलिस अफसरों के नंबर भी जारी किए। हरियाणा के डीजीपी ने कहा कि अब तक किसी ने नहीं की रेप की शिकायत, नहीं सामने आया कोई चश्मदीद। सरकार मामले को लेकर बेहद संवेदनशील। सोनीपत में आंदोलन के दौरान महिलाओं से रेप की खबरों का एसपी ने किया खंडन। एसपी ने कई स्थानीय लोगों से भी की पूछताछ। रोहतक में जाट आरक्षण के आंदोलन के दौरान मेडिकल मोड़ के पास बंद दुकान में मिला लूट का सामान, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामान बरामद किया। गुड़गांव में बार डांस कर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, युवती के 2 दोस्तों पर है हत्या का आरोप। पंजाब के फजिलका में केजरीवाल की सभा में हंगामा, रैली के दौरान वापस जाओ की नारेबाजी से रुका भाषण, मुलाकात करने वाले किसानों को भी रोका गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा, मुख्यमंत्री ऑफिस को धमकी भरा ईमेल आया, दिल्ली पुलिस को कदम उठाने के दिए गए निर्देश। चंडीगढ़ में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस ने पीडीएस सिस्टम में गड़बड़ झाले पर उठाए सवाल। पठानकोट पुलिस ने 3 लोगों को हथियारों के साथ पकड़ा, राजस्थान से बचने के लिए लाए गए थे तस्कर। पंजाब के मोगा में पिस्तौल की नोक पर मनी एक्सचेंजर से 21 लाख रुपए से ज्यादा की लूट, वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हुए 3 लुटेरे। मथुरा में एक महिला से 3 लोगों ने किया गैंग रेप, लोगों ने 2 को पकड़ा, 1 हुआ फरार। मैनपुरी के कुर्रा इलाके में फर्जी तरीके से जमीन बेचने का मामला आया सामने, पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए अधिकारियों से लगा रहे हैं गुहार। फरुखाबाद के नामी होटल पर पुलिस का छापा, 2 संदिग्ध युवक हुए गिरफ्तार। देवरिया में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में 9 मुन्ना भाई पकड़े गए, परीक्षा केस दर्ज। बुलंदशहर में फेरे लेने से पहले गायब हुआ दूल्हा, दहेज में दी नई गाड़ी, दुल्हन के नाम होने से था नाराज, दुल्हन ने शादी से ही किया इनकार। मैनपुरी में NH91 पर अनियंत्रित हुआ एक ट्रक, एक शख्स के घर में जा घुसा, 1 की मौत, 5 घायल। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की खुंडागर्दी, मंसूरपुर थाने पर कब्जा जमाने के बाद किया हंगामा। करौली में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से एक कार और 14 मोटरसाइकिल भी बरामद। सोनभद्र के ओबरा में पत्थर खदान में विस्फोट से 3 मजदूरों की मौत, 4 गंभीर रूप से हुए घायल। कानपुर में स्कूली छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस की खुली नींद, सीसीटीवी रिकॉर्ड को कराया सील, मामले को दबाने की होगी जांच। एटा में NH91 पर भीषण हादसा, इंस्पेक्टर रमेश चंद्र तिवारी की मौत। लखनऊ में मानसिक रूप से बीमार शख्स के दून एक्सप्रेस की छत पर चढ़ने के बाद हुआ हंगामा, लंबी मशक्कत के बाद रेलवे पुलिस ने उतारा नीचे। फैजाबाद में गुमनामी बाबा के सामानों को सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोग मानते हैं गुमनामी बाबा। हाथरस में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई फैक्ट्रियों पर मारा छापा, मिलावटी खाद्य पदार्थ पर रोक लगाने के लिए लिए गए सैंपल। बस्ती में SBI ब्रांच में कैशियर बनकर कृषि विभाग के कर्मचारियों से 62,000 की ठगी, कैशियर की सीट पर बैठकर फरार हुआ गलत। डॉक्टर को बुलाने वाले छात्र ने भी स्मृति ईरानी के दावे को बताया झूठा, कहा घटना के फौरन बाद किया गया था, डॉक्टर राजश्री को सूट। रोहित वेमुला नहीं था दलित, तेलंगाना पुलिस ने हाईकोर्ट में दिया है हलफनामा, कहा पिछड़ा वर्ग से आते हैं रोहित के माता पिता। पर्चा JNU में महिषासुर से जुड़े कार्यक्रम में जाने पर बीजेपी सांसद उदित राज की सफाई, कहा मैं तब गया था जब ना तो बीजेपी का सांसद था और ना ही बीजेपी में था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर पटियाला हाउस कोर्ट के 3 वकीलों को अवमानना का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है ये नोटिस। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया खालिद अनिर्बान से दूसरे दौर की पूछताछ की, दिल्ली पुलिस के अनुसार 3 के बयानों में विरोधाभास। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए पहल, संसद में नेताओं को दिया लंच। दिल्ली में 19-20 मार्च को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बैठक है ये। दिल्ली के छावला इलाके में पानी की कमी को लेकर भड़के लोग, किया प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकारी अस्पतालों की नर्सों का प्रदर्शन, कहा नहीं मानी गई मांगे तो बड़े पैमाने पर हम करेंगे हड़ताल।
दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर, स्कूटर सवार की स्थिति गंभीर। श्रीनगर में बीजेपी के विधायक रविंद्र रैना का विवादित बयान, कहा जम्मू कश्मीर पुलिस में कई आईएसआई के एजेंट। जम्मू के कटरा में 9 साल की नाबालिग लड़की से बेरहमी की इंतहा, दम तोड़ने तक वेश्यों ने किया गैंगरेप, चारों गिरफ्तार। कश्मीर के राजबाग की महिला एथलीट नेशनल चैंपियनशिप में नहीं ले सकेंगी हिस्सा, गरीबी की वजह से घरवाले करवाना चाहते हैं शादी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हादसे का शिकार हुई यात्री बस, 7 लोगों की मौत, 26 घायल। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिल दहला देने वाला हादसा, मां की गोद से दुधमुए बच्चे को छीन कर ले गया तेंदुआ। बिहार में एनडीए नेताओं की हत्या पर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का विवादित बयान। बेगूसराय में शराबी पति ने पत्नी से झगड़ा करने के बाद आत्महत्या कर ली। सहरसा में एक शख्स पर लगा अपनी ही पत्नी का रेप करवाने का आरोप। औरंगाबाद में शराब के नशे में धुत एक भट्टी संचालक ने अंधाधुंध फायरिंग की। समस्तीपुर में इंटर परीक्षा में गुरुकुल सेंटर से बोरा भरकर निकली चिट। सहरसा में 6 दिनों बाद डॉक्टर्स की हड़ताल हुई खत्म, अपराधियों की फिरौती से तंग आकर हड़ताल पर चले गए थे सभी डॉक्टर। पटना में कला और संस्कृति विभाग के फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बजरंगी भाईजान को देखने के लिए उमड़ी भीड़, हुई बेकाबू, पुलिस वालों को चलानी पड़ी लाठियां। समस्तीपुर में छेड़खानी करने वाले 2 मंचलों की बांस से बांधकर पिटाई की गई, भीड़ का फायदा उठाकर एक मंचला हुआ फरार। छपरा में परीक्षा में नकल से परेशान हुआ प्रशासन, इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल करने वालों की वीडियोग्राफी करने वाला कैमरामैन ही परीक्षा पत्र के साथ पकड़ा गया। गया के वजीरगंज के कुरकीहार में भगवान बुद्ध की प्राचीन प्रतिमाओं का मिलना जारी, लोगों के अनुसार खुदाई होने पर सैकड़ों मूर्तियां मिलने की उम्मीद। उज्जैन में कन्हैया और दिग्विजय सिंह के पोस्टरों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाई आग, दिग्विजय के साथ कन्हैया की तस्वीर देखकर भड़क गए कार्यकर्ता। बड़वानी के सेंधवा मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर आग लगा ट्रक आधा किलोमीटर तक दौड़ता रहा, ट्रक में भरे हुए थे पेपर। पन्ना में हीरा कारोबारी रतनलाल जड़िया की हत्या, घर से ही मिली लाश। देवास में नामचीन निजी स्कूल के बाथरूम में युवक के साथ दुष्कर्म की घटना। उमरिया में ज्वालामुखी पुलिया पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत। श्रावस्ती में मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता ने अपने 3 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार। रीवा में आदिवासियों से दबंगई करना पड़ा महंगा, गांव वालों ने दबंगों को खदेड़कर गाड़ियों में लगाई आग, 2 कारें जलकर राख। इंदौर के एमवाय अस्पताल में बच्चा चोरी का मामला आया सामने, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चा ले जाते हुए महिला सीसीटीवी में कैद। ग्वालियर में शराब पीकर हंगामा मचाने वाली बारात को दुल्हन ने खाली हाथ लौटाया। रायपुर में सोनी चोरी पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी का धरना। भरतपुर में जाट आंदोलनकारियों ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा आंदोलनकारियों को जबरन जेल में ठूंसा जा रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंबोर में संदिग्ध अवस्था में एक शख्स की मिली लाश। धौलपुर में एक परिवार पर दहेज के लिए बहू को मारने का लगा आरोप। अलवर में 5 दिन पहले लापता 14 साल के बच्चे का मिला शव। झालावाड़ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत। राजस्थान के जालौर में फिर से दिखे पाकिस्तान के नाम वाले गुब्बारे, पुलिस ने शुरू की जांच। बाड़मेर में बस ट्रक की भिड़ंत, 2 की मौत, 45 घायल। जयपुर में नेशनल हाईवे पर खड़े कंटेनर में लगी आग, 1 कार को भी नुकसान। सवाई माधोपुर में नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। बीकानेर के सरकारी अस्पताल से निकला सांप। ठाणे में महिला कांस्टेबल की शिवसेना कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। पुणे में एक कॉलेज स्टूडेंट से रेप का मामला आया सामने। मुंबई के गिरगांव चौपाटी आग मामले में एफआईआर हुई दर्ज।
पालघर जिले में मराठी स्कूल में मिड डे मील के खिचड़ी खाने से 247 बच्चों को फूड पॉइजनिंग। शिरडी साईं बाबा मंदिर का सशुल्क दर्शन 1 मार्च से होगा और भी महंगा, 200 रुपए अब देने पड़ेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जाधवपुर यूनिवर्सिटी नारेबाजी मामले में वाइस चांसलर से मांगी रिपोर्ट, बीजेपी ने दायर की थी पीआईएल। पुरुलिया में एक जोड़े ने अपनी सुरक्षा की मांग की, परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर की थी शादी। दुर्गापुर के श्रीरामपुर माना गांव में 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर लगी अफीम की खेती को किया गया नष्ट। हुगली में तीसरी क्लास की छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार। दुर्गापुर के प्यारीगंज के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को बांटे गए जूते। कोलकाता में टीएमसी नेता की हत्या के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, भुगुती रहने वाले का इलाके का था। दक्षिणी 24 परगना में गर्भवती महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में 2 के खिलाफ केस दर्ज। वर्धमान के कटवा में 10 को उम्र कैद, 2007 के मर्डर केस में मिली सजा। वर्धमान में बिजली विभाग के अधिकारियों के गांव वालों ने की पिटाई। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स की एशिया के 30 साल से कम उम्र के फाइनेंस क्षेत्र के शीर्ष कारोबारियों में 4 भारतीय। सबसे अव्वल डॉक्टर रितेश मलिक, मंजू भाटिया, अंसुलिया दुबे और अंजनेय को मिला ये सम्मान। चेन्नई में डीएमके एआईडीएमके के बीच झड़प, कई घायल। कोयंबटूर में एआईडीएमके और डीएमके के कार्यकर्ता भिड़े, कॉर्पोरेशन काउंसिल की बैठक में विवाद। त्रिवेंद्रम में एसएफआई के छात्र नेताओं ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। रामेश्वरम में मछुआरों की हड़ताल शुरू, 27 मछुआरों को छुड़ाने की मांग। केरल के चेंगन्नूर में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या, हिम्मत कहा लड़ूंगा। हल्द्वानी में खली हो गए थे घायल, चोट लगने के बाद देहरादून किया गया था भर्ती। जगन्नाथपुरी मंदिर में दरार की खबरें। देवघर में 7 मार्च को महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां हुई तेज। जमशेदपुर में क्रिकेटर सौरभ तिवारी की हुई शादी। हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है, और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर, और ये आप देखिए, आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prithi, and in this week's episode, I am out eating lunch at a fine dine restaurant. Man, yeah.